पितृपक्ष की अमावस्या के दिन लोगों ने अपने पितरों को श्राद्ध अर्पित कर गायों को खीर पूरी हलवा देने से बिल्कुल भी परहेज नहीं किया। गौरक्षा दल के सदस्यों ऐसे लोगों को रोकने का बहुत प्रयास भी किया। गौरक्षा दल भिवानी के अध्यक्ष संजय परमार ने बताया कि कई दिन पहले इसका प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन इसके बावजूद लोगों में इसका असर दिखाई नहीं दिया। लोगों को मना करने के बाद भी गायों को एक साथ कई कई पूरी खिलाई गई। कच्ची पक्की दोगे जी? ये कच्ची कच्ची रोटी ले रहे हो आप? ये कच्ची है? दो थाल भर रहे हो? कच्ची है के? हाँ ये कच्ची है, ये कच्ची है, दो थाल भर रहे हो? सवेरा आपके खिलाफ मुकदमा यो नंबर है भाई। शहर में व्यवस्था बनाने के लिए 14 अस्थायी बाड़े बनाए गए हैं, जिनमें करीब 1200 के करीब गायों को रखा गया है। वहीं संस्था की तरफ से वॉलंटियर्स भी तैनात किए हैं। 4 डॉक्टर टीम बनाई गई है जो हर वक्त अलर्ट मोड पर रखी गई है। भिवानी के गौशालाओं द्वारा 14 अस्थायी बाड़े बनाए गए थे इस अमावस को लेकर गायों को बचाने के लिए। उसमें हमने तकरीबन 1200 के लगभग गोवंश को रोक पाए। हम जिला प्रशासन का भी इसमें थोड़ा सा सहयोग रहा है हमारे को, और हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने दवाई की और डॉक्टर की व्यवस्था पूरी कर रखी है। और अभी तक 4 केस आ चुके हैं वैसे अफारा के, पर 4 प्रसार तो जी 20 साल हो गए करते हैं। बाकी कोई अभी आज भी है ना, हमने एक आदमी के आदमी 50-50 रोटियाँ 50-50 पूरियाँ मिली पकड़ी हैं। कहीं भी उनको मनाया भी है, कई माने हैं कई नहीं माने हैं, भाई चलो गौशाला में भाषा चलो हमारे को दे दो। मतलब लोग है ना बस अपने हाथ से ही देना चाहते हैं उनको, मन बस ऐसे ही है। थोड़ा असर है लेकिन यूँ नहीं कह सकते अभी हम 100% गायों को बचा लेंगे, मेरे को उम्मीद नहीं है। जो नहीं माने उनके पास हमारे वीडियो भी है, प्रशासन को हम लिख के देंगे भाई, कुछ इनके खिलाफ अगर कुछ लीगल एक्शन बनता होगा तो करवाएंगे। बढ़ चढ़ के काम हो रहा है, गौरक्षा दल और नगर परिषद ने मिलकर एक अभियान चलाया हुआ है। भिवानी शहर के आसपास या अंदर 10-12 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं कि जिनमें पहले से ही मतलब माओ से पहले 1400-1500 को ही गोवंश को इकट्ठा करके उनमें पहुँचाया गया है। हमारी गौशाला में लगभग 350 गोवंश आ चुका है और उसको अभी 2 दिन से खाने पीने का इंतजाम गौशाला में हो रहा है। उस महोदय ने डिप्टी डायरेक्टर जी को निर्देश दिए हैं कि 4 टीम उनके निर्देशानुसार 4 टीमें बनाई गई हैं, उसमें डॉक्टर भी BLD हैं, सहायक भी हैं, सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं और इस वर्ष जो है पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है। गोवंश पूरियाँ खा के या और कोई चीज़ खा के फूड पॉइजनिंग की वजह से उसके भी इलाज की प्रबंध आई वर्ष की तरह किया हुआ है, उसके लिए भी डॉक्टरों का पूरा सहयोग है। पूरी टीम हमारे वर्कर गौरक्षा दल के वर्कर सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। 3 बताया गया डॉक्टरों द्वारा कि 3 दिन प्रिकॉशन के तौर पर उनको यहाँ रखेंगे और उनका कोई भी किसी किस्म की दिक्कत हो उनका पूरी तरह से इलाज करेंगे। सरकार ने भी काफ़ी जोर लगा रखा है और संस्थाओं ने भी जोर लगा रखा है।